हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतूज कुकिंग हब। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ उड़द बड़ी की रेसिपी। उड़द बड़ी की सब्जी काफी टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, और इसे आप बहुत सारी सब्जी में मिक्स करके भी बना सकते हो, बैगन में, कोहरे में, किसी भी चीज में, या प्लेन भी बना सकते हो। तो चलिए इसे बनाते हैं। बड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे उड़द की दाल को पूरी रात भिगो के रख दिया था, और इसको पूरी तरह से पानी मैंने निकाल दी है, तो छन्नी में मैंने रखा है इसे, और ये ड्राई हो चुका है। तो अभी हम लोग इसे मिक्सर पॉट में पीस लेंगे। तो आप देखें, मैंने इसे थोड़ा सा दरदरा पीसा है, एकदम बारीक नहीं पीसा है, बहुत दरदरा भी नहीं और ना बारीक, हमें इसे पीस लेना है। पीसने के बाद मैंने इसे एक बड़े से बाउल में निकाल लिया है, और फ्रेंड्स याद रखिए, इसमें पानी डाल के मत पीसे, आप जितना ड्राई पीस सकते हैं उतना पीसे। और यहाँ पे सारे मिक्सचर को मैंने निकाल लिया है, तो हमें इसे हाथ से अच्छे से फेंटना है। आप जितना फेंटेंगे उतना अच्छा बड़ी बनेगा हमारा, मतलब वो सब्जी में बहुत जल्दी पक जाएगा। तो मैं यहाँ हाथ से फेंट रही हूँ, आप चाहे तो हैंड विस्क का भी यूज कर सकते हैं। और ये आप देखें, जैसे जैसे फेंटेंगे वो थोड़ा थोड़ा हल्का होते जाएगा, और अभी ये मेरे हिसाब से फिटा चुका है, तो मैं इसे आपको चेक करने के लिए बता रही हूँ कि कैसे चेक करते हैं। जैसे ही आप इसे पानी में डालेंगे तुरंत से ऊपर आ जाएगी, इसकी यही पहचान है कि हमारा बैटर रेडी है। मैं एक बार और करके बताती हूँ आपको, ये देखें फ्रेंड्स, एकदम तुरंत से वापस आ गए ऊपर ये। तो अभी हमें बड़ी बनाना है। बड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा लिया है, तो फ्रेंड्स कभी भी बड़ी कॉटन के कपड़े पे ही बनाए, और लाइट शेड का यूज करें, नहीं तो क्या है, डार्क कपड़ा आप रखेंगे तो बड़ी के नीचे उसका कलर चिपक जाएगा। तो अभी मैं पानी को हाथ में लगा के और छोटे छोटे से बड़ी बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से बनाएं, अगर बड़ा बनाना चाहते तो बड़ा बना लें। तो ऐसे ही हमें पूरे बैटर की बड़ी बना लेनी है। और यहाँ पे मेरी बड़ी बन चुकी है, तो मैं इसे 3 से 4 दिन तक धूप में सुखाऊंगी। और आप देख सकते हैं कि एक तरह की बड़ी बनी है पूरी। पर फ्रेंड, जब 2 दिन हो जाए तो इसे हम लोग उखाड़ेंगे, इसे हमें कपड़े से उखाड़ लेना है। तो आप देखें, मैं इसे सारे बड़ी को उखाड़ लूंगी। यहाँ पे 2 दिन में ही मैं इसे निकाल रही हूँ, ये अच्छे से सूख चुका है, और इसे मैं फिर से पलट के डाल दूंगी। ऐसे करके डालेंगे हम लोग पलट के, ताकि अच्छे से उधर के साइड से भी, पीछे के साइड से भी इसमें धूप लग जाए अच्छे से। और जितनी अच्छी धूप लगेगी हमारा बड़ी, उतना ही सफेद बनेगा। और आप देख सकते हैं कि बड़ी अभी 5 दिन हो चुकी है, तो एकदम सूख चुकी है। मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ आपको, ये देखें, और इसमें एकदम हॉलो बनी है। तो बैटर एकदम अच्छे से फिट के बना है, इसका यही निशानी है कि ये हमारा बड़ी अंदर से हॉलो है। ये देखें फ्रेंड्स, अगर आपका बैटर कम फेटा हुआ रहेगा तो ये हॉलो नहीं होगा फ्रेंड्स, और फिर वो सब्जी पकने में काफी टाइम लगेगी। ये बड़ी आप, मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ कि ये बड़ी आपको 3 से 4 मिनट भी नहीं लगेगी, सब्जी में एकदम अच्छे से पक जाएगी। तो आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।